नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। कोरोना इफेक्ट से प्रतियोगिता परीक्षा पर भी खासा असर पड़ रहा है। रविवार को यूपीएससी की परीक्षार्थियों को भी मास्क लगाकर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। पटना के 97 केंद्रों पर 47,000 से अधिक परीक्षार्थियों को शामिल होना है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोजपा का मन मिजाज अभी भी जदयू के साथ बिगड़ा हुआ ही है। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय पर तल्ख टिप्पणी के बाद अब किसी भी सूरत में सुलह की गुंजाइश नहीं है। इसे राजनीतिक हमले के रूप में देखा जा रहा है। अब एनडीए गठबंधन में हो रही खींचतान का आनंद अन्य राजनीति दल उठा रहे हैं। लोजपा के 7 निश्चय बयान से सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जोड़कर देखा जा रहा है। लोजपा ने माना है कि 7 निश्चय भ्रष्टाचार का अड्डा है। जदयू के लिए यह बयान असहनीय पीड़ादायक है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि जुल्म के बल पर सरकार चलाई जा रही है। वर्चुअल कीबोर्ड के सहारे ही सही, लेकिन एनडीए सरकार पर कठोर प्रहार किया है। कांग्रेस ने यूपी की घटना की निंदा की है। राजद को भरोसा है कि जल्द ही महागठबंधन का स्वरूप बेहतर नजर आएगा। कांग्रेसी नेता भी इस अवसर को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। अब संभावना बढ़ गई है कि सीटों को लेकर चल रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा। यूं तो अनलॉक 5 के तहत बिहार में भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन के लिए अभी भी 31 अक्टूबर तक इसे बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार भी किसी तरह की कोताही नहीं चाहती, क्योंकि फिर से कोरोना का प्रसार तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना की निंदा चौतरफा हो रही है। यूपी सरकार और प्रशासन ने सभी बिंदुओं पर पैनी निगाह बना रखी है, लेकिन मीडिया कर्मियों को प्रभावित परिवार से नहीं मिलने देना तनतनी का कारण बना हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को गर्मा दिया है। बिहार में एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है, वहीं नई नई पार्टियों का रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग में जारी है। इस बीच 87 नई पार्टियों को चुनाव आयोग की मान्यता मिल गई है और 79 दलों ने खुद को चुनाव के लिए तैयार भी कर लिया है। प्राप्त खबरों के मुताबिक ये पार्टियां बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अब तक बिहार में प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग का काम आगे बढ़ा दिया है। 71 से अधिक उम्मीदवार इस टेस्ट में सफल रहे हैं। इधर सहयोगी दलों से वार्ता के बाद सभी कुछ तय होने की संभावना है। रेल आरक्षण को लेकर आम आदमी की परेशानी बढ़ने लगी है। खबरों के मुताबिक 20 नवंबर तक विभिन्न स्थानों से बिहार के लिए खुलने वाली रेलगाड़ियों में कंफर्म सीट नहीं है। समय रहते सभी सीटें भर चुकी हैं। अब रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।